हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन स्कूप, जहाँ पर मैं और आप मिलकर बनाएंगे टेस्टी टेस्टी डिशेस और शेयर करेंगे हमारी कुकिंग जर्नी। तो आज मैं आपके लिए ऐसी ही एक रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है मटन आलू करी, जो बनाने में एकदम सिंपल है और काफ़ी टेस्टी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दिए हुए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, तो सो दैट कि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो फिर चलिए देख लेते हैं मटन आलू करी की रेसिपी। तो यहाँ पे लिया है हमने मटन, इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, अब इसमें जाएगा थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, फिर इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे मटन को थोड़ा सा शार्पनेस देगा। ये देखिए मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला थोड़ा सा, अब इसको इस तरह से हाथ से मिक्स कर लूंगी। मटन अभी अच्छे से मिक्स हो गया है सारे मसालों के साथ, अब इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने ये कढ़ाई लिया है, अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, फिर इसमें डालेंगे हम पटेटोज। पटेटोज जो होता है वो नॉर्मली कोलकाता या फिर उड़ीसा अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे नॉनवेज करी में बहुत देखने मिलेगा आपको, तो वो एक बहुत एसेंशियल चीज़ होता है कोई भी नॉनवेज करी में। पटेटोज को ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब देखिए ये ब्राउन हो चुके हैं, अब मैंने दूसरे चूल्हे पे ये कुकर लिया है, अब इसमें जाएगा मस्टर्ड ऑयल। तेल जैसे ही गर्म होगा उसमें मैं डालूंगी एक पिंच शुगर, ये जो अनियन फ्राई करेंगे उसको एक बहुत ही अच्छा कलर देगा। अभी देखिए शुगर डिजॉल्व हो चुका है, अब इसमें मैंने डाला है खड़े मसाले जिसमें मैंने यूज़ किया है लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, सिनेमन और तेज पत्ता। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाले हैं दो मीडियम साइज के प्याज जो मैंने पतले पतले स्लाइसेस करके कट किए थे। अब प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसमें डालूंगी मसाला। मसाला पेस्ट बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है जिंजर गार्लिक, उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर सीड्स, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा सौंफ, और इसमें मैंने डाला है रेड चिली। तो रेड चिली जो मैंने यूज़ किया है वो बेडिकी चिली यूज़ किया है, जो कर्नाटका का बहुत ही फेमस चिली है, वो करी को बहुत ही अच्छा एक कलर देगा। अब हमें इसे तब तक भूनना है जब तक इसमें से जिंजर गार्लिक का रॉ फ्लेवर चला जाए। अब देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। यहाँ पे मैंने एवरेस्ट का तीखा लाल यूज़ किया है जो करी को एक हल्का सा स्पाइसीनेस देगा एंड कलर भी एनहांस करता है, और टर्मरिक जो डाला है मैंने वो चिली का कलर को बहुत ही ज़्यादा उभार के लाता है। अब मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून मीट मसाला डाला है, ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमने जो मसाला पेस्ट डाल के बनाया था वो ही करी के लिए सफिशिएंट है टेस्ट के लिए। अब मैंने इसमें मटन ऐड किया है, अब इस मटन को लो मीडियम फ्लेम पे 40 मिनट्स तक हमें फ्राई करना है और इसका ढक्कन हम नहीं लगा रहे। अब देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और इसको फिर से फ्राई करेंगे। बीच बीच में थोड़ा सा पानी ऐड करते रहें ताकि मसाला नीचे ना लग जाए। अब देखिए एक अच्छा सा कलर आ चुका है, अब इसको मैं कवर लगा के 5 से 7 मिनट तक छोड़ दूंगी लो फ्लेम पे। अभी 7 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें जाएगा फ्राई किया हुआ आलू। ये देखिए इस तरह से आलू को अच्छे से एकदम से मिला लेंगे।
आलू मिक्स हो चुके हैं, अब इसमें पानी डालेंगे। हमेशा जब भी आप मटन करी बनाएं तो उसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठंडा पानी यूज़ ना करें। इस यहाँ पे मैंने 3 कप पानी लिया है क्योंकि मुझे ग्रेवी थोड़ी पतली चाहिए थी। ये देखिए, आप अपने हिसाब से पानी डालिए। आपको अगर ग्रेवी थिक रखनी है आप कम पानी डाल सकते हैं, अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए तो आप इस तरह से पानी डाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग कुकर का ढक्कन लगा के इसको 4 सीटियों तक पकाएंगे। नॉर्मली डिफरेंट जगह का मटन थोड़ा डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे जो मैं मटन यूज़ करी उसके लिए मुझे 4 सीटी चाहिए होता है इसको प्रॉपरली कुक करने के लिए। तो अब ये देखिए, 4 सीटी के बाद प्रेशर कुकर का कवर मैंने निकाला है। पूरा प्रेशर निकलने के बाद मैंने ढक्कन खोला है। अब इसमें मैंने डाला थोड़ा सा गरम मसाला और फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। ये देखिए, अभी हमारी मटन करी रेडी हो चुकी है। आप इसको रोटी या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।